हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में सैमसंग का M11 फ़ोन को जो है वो हम हार्ड रिसेट करेंगे, तो वीडियो को फुल कंप्लीट देखना, ठीक है। इस फ़ोन में जो है वो लॉक लगा हुआ है और मॉडल नंबर आपको बता दिया M11, और फ़ोन की जो लैंग्वेज वगैरह सब यहाँ पे चेंज है, तो आप लोगों को कुछ ठीक से नहीं दिखेगा क्या लिखा हुआ है ना। तो चलिए, फ़ोन को हम ऑफ़ भी करके देख चुके हैं, बट फ़ोन ऑफ़ नहीं हो रहा है। तो आपको करना क्या है, यहाँ पे पावर बटन और वॉल्यूम डाउन बटन, दोनों बटन को एक साथ प्रेस करके रखना है। जैसे ही फ़ोन आपका रीस्टार्ट होने जाएगा, वाइब्रेट करेगा, उस टाइम आपको वॉल्यूम डाउन बटन को छोड़ के और वॉल्यूम अप बटन को प्रेस कर देना है, और पावर बटन को दबा के ही रखना है, ठीक है। जैसे ही फ़ोन आपका सैमसंग लोगो पे आ जाएगा, आप पावर बटन को छोड़ दोगे और उसके बाद फिर आप वॉल्यूम अप बटन को भी छोड़ दोगे। यहाँ पे कुछ टाइम वेट करेंगे तो जो फ़ोन जो है वो रिकवरी ऑप्शन में आ जाएगा। तो यहाँ पे अब आपको करना क्या है, नीचे वॉल्यूम डाउन बटन से आपको नीचे करके लेके जाना है, वाइप डाटा फैक्ट्री रीसेट पर लेके आना है, और यहाँ पे आपको पावर बटन को एक बार प्रेस कर देना है और नीचे, ठीक है। फिर से एक बार डाउन बटन को प्रेस करेंगे और ओके, फिर से हम यहाँ पावर बटन को प्रेस कर देंगे, तो फ़ोन जो है आपका फोन यहाँ कंप्लीट फॉर्मेट होना स्टार्ट हो जाएगा। कुछ ही सेकंड में आपका जो फ़ोन है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो अब आपको यहाँ पे करना क्या है, रिबूट सिस्टम नाउ, आपको पावर बटन प्रेस कर देना, फ़ोन जो है आपका ऑन होने लग जाएगा। तो इस फ़ोन को कंप्लीट ऑन होने में 3 से 5 मिनट तक का टाइम लग जाएगा, तो आप लोग थोड़ा सा वेट कर लेना, तब तक वीडियो को लाइक जरूर कर देना। अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, साथ ही बेल आइकन को दबा देना, ताकि जब भी कोई नेक्स्ट वीडियो अपलोड होता है तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिले। तो इस मेथड से आप लोग अगर फ़ोन में पिन, बटन, पासवर्ड वगैरह जो भी लगा हुआ है वो आप इजी तरीके से हटा पाएंगे। आप वीडियो अगर कंप्लीट देखोगे तो ज़रूर कर पाओगे, ठीक है। तो फ़ोन को ऑन होने में थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि मैंने वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड कर दिया, फ़ोन ऑन हो चुका है। चलिए, फ़ोन को आगे बढ़ाते हैं। तो फटाफट से फ़ोन को आगे बढ़ाते हैं, और फिर से बोल देना पहले वीडियो को अभी तक जिसने भी लाइक नहीं किया, प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और चैनल पर अगर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, साथ ही बेल आइकन को दबा देना, ताकि जब भी कोई नेक्स्ट वीडियो अपलोड होता है तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिले। क्योंकि काफ़ी सारे भाई लोग ऐसे हैं जो वीडियो को लाइक भी नहीं करते और ना ही चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, तो ऐसा मत करो, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। हार्ड रिसेट करने के बाद काफ़ी सारे फ़ोन में जो है वो FRP लॉक रह जाता है, तो उसको भी आप इसी तरीके से बाईपास कर सकते हो। आप लोग YouTube पे सर्च करके देख लेना। तो फिलहाल इस फ़ोन को हमने हार्ड रिसेट करके कंप्लीट ऑन कर दिया है। वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, साथ ही बेल आइकन को दबाना। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में।